Assalamu dear students. I hope you are safe and are doing well. Stay home, stay safe, stay focused on your studies and careers, and don't waste your time, please. Now, we start our English lecture, and in this lecture, we learn about tenses. जी बच्चे आज हम सीखेंगे कुछ ग्रामर की चीज़ें जिसमें हम डिस्कस करेंगे टेंसिस को टेंसिस का नाम सुनकर आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना क्योंकि हम इनको बिल्कुल ही इजी वे में करेंगे जिससे आप अच्छी तरह अंडरस्टूड कर सकें और टेंसिस को समझने से पहले आपको कुछ इसकी बेसिक्स फार्मूला स्ट्रक्चर्स आने चाहिए सो so, लेक्चर को डिलीवर करने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि आज हम जो लेक्चर में पढ़ेंगे वो टेंसिस की डेरिवेशन, डेफिनेशन वाट इज टेंसिस वाई वी टेंसिस, फिर उसकी फ़र्दर टाइप्स एंड फिर उसकी फ़र्दर क्लासिफिकेशन, टाइप्स की क्लासिफिकेशन। सो so, बच्चे अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं एक प्रॉपर वे में ठीक है तो जी बच्चे आज हम टेंसिस की डायवेशन पढ़ेंगे कि वर्ड टेंस एक लैटिन वर्ड टेम्पस से डिराइव किया गया है जिसके मीनिंग है टाइम और कुछ लोगों के कुछ और लोगों के ख्याल में जो टेंस है वो एक अदर लैटिन वर्ड टेनिस से डिराइव किया गया है जिसके मीनिंग मीनिंग है स्ट्रेच और कुछ का ख्याल है इस बारे में ये कि ये एक ओल्ड फ्रेंच वर्ड टेंस से ड्राइव किया गया है जिसके मीनिंग है टाइम सो so, आपने ये याद रखना है कि टू लैटिन वर्ड्स हैं जिनसे ये ड्राइव किया गया है और एक ओल्ड फ्रेंच है तो जी बच्चे नेक्स्ट हम इसकी डिफ़ाइन के बारे में पढ़ेंगे कि हम टेंसेस को कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं ये जैसे कि आपके सामने लिखा भी हुआ है कि ये वर्ब की एक ऐसी फॉर्म है जो हमें बताती है समथिंग हैपन्ट आर गोइंग टू हैपन्ड लाइक अगर वर्ड टाइम पे गौर किया जाए तो ये एक नेचुरल फिनोमिना है जो हमें बताता है कि हम किस एरा में हैं किस पीरियड में हैं लाइक like हम पास्ट में हैं हम प्रेजेंट में हैं हम फ्यूचर में हैं लाइक like, जैसे कि एक वर्ड है टूडे इससे हमें पता चल जाता है कि हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं येस्टरडे अगो आए तो हम पास्ट की बात कर रहे होते हैं और इसी तरह अगर टुमारो वर्ड आए तो हम फ्यूचर की बात कर रहे होते हैं तो जी बच्चे नेक्स्ट हम बात करेंगे वाट इज टेंसिस लाइक ये इंडिकेट्स करता है कनेक्शन को बिटवीन टू आर मोर टाइम पीरियड्स इनके दो टाइम पीरियड्स के दरमियान रबता रखता है लाइक like यहाँ पे टाइम पीरियड्स यानी कि वो टाइम पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की बात हो रही है ठीक है ये दो एरर्स के दो या दो से ज्यादा एरर्स के दरमियान में कनेक्शन पैदा करता है इंडिकेट्स करते हैं लाइक like अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे तो जी बच्चे जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था हम पढ़ेंगे वाई वी नीड टेंसीज देखें टेंस जो है वो वर्ब की एक ऐसी फॉर्म है जो एक ही वर्ब से डिफरेंट मीनिंग्स क्रिएट कर लेती है लाइक गो एक वर्ब की फॉर्म है जिसके मीनिंग है जाना लेकिन वेंट की अगर गो के सेकंड फॉर्म को देखा जाए तो वेंट बनती है जिसके मीनिंग आ जाते हैं गया और अगर थर्ड फॉर्म को देखा जाए गॉन तो उसका मीनिंग आ जाता है जा चुका इसी तरह ये करेक्ट सेंटेंस को राइट करने के लिए किया जाता है ताकि टेंसिस यूज़ किए जाते हैं और इसके अलावा कि लिसनर जो है वो अच्छे तरीके से अंडरस्टूड कर सके इसके अलावा अगर आप इफ़ यू विश टू राइट अ करेक्ट सेंटेंस आर टू से एनी थिंग टू एनी वन यू नीड टू एक्सप्रेस योर आइडियाज़ इन द राइट फॉर्म ऑफ टेंसिस सो बच्चे इसलिए हमें टेंसेस की ज़रूरत है तो जी बच्चे नेक्स्ट हम इसके स्ट्रक्चर यानी कि फार्मूला की तरफ बढ़ते हैं लाइक like हर चीज़ का एक स्ट्रक्चर होता है इस तरह टेंसेस की स्ट्रक्चर को भी हम डिफाइन करेंगे कि सब्जेक्ट प्लस फार्मूला ऑफ टेंस प्लस ऑब्जेक्ट नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे फार्मूला ऑफ टेंस क्या है लाइक like प्रेजेंट अगर टेंस की हम बात करेंगे तो उस टेंस का जो स्ट्रक्चर होगा वो यहाँ पे यूज़ करेंगे अगर पास्ट की बात करेंगे तो उस सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा वो यूज़ करेंगे और अगर फ्यूचर की बात करेंगे तो इसी तरह वो करेंगे और यहाँ पे सब्जेक्ट्स आई होप यू अंडरस्टैंड ऑलरेडी और ऑब्जेक्ट का भी आपको पता है ठीक है एंड नेक्स्ट हम तो जी बच्चे नेक्स्ट हम इसकी टाइप्स के बारे में बात करेंगे कि टेंसेस की बेसिकली थ्री टाइप्स हैं फिर उन टाइप्स को फर्दर क्लासिफाई किया गया है वो भी हम पढ़ेंगे लाइक पास्ट सबसे पहले हम प्रेजेंट को करें या पास्ट को फिर उसके बाद फ्यूचर को फिर अब प्रेजेंट जो है आपका हाल है जो पास्ट है वो माजी है और जो फ्यूचर है वो आएगा सो अब हम इसके क्लासिफिकेशन को फर्दर डिवाइड करेंगे तो जी बच्चे प्रेजेंट को अगर फर्दर क्लासीफाई किया गया है फोर ब्रांचेस में प्रेजेंट इंडेफिनेट कॉन्टीनस परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टीनस प्रेजेंट इंडेफिनेट में क्या चीज़ है क्या कुछ यूज़ होता है क्या पहचान है किस तरह यूज़ होते हैं वो सब हम देखेंगे इसी तरह कॉन्टीनस परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टीनस में नेक्स्ट हम बात करेंगे पास्ट की पास्ट को भी फोर ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है पास इंडेफिनेट कॉन्टीनेंस परफेक्ट परफेक्ट कॉन्टिनेंस नेक्स्ट फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर को भी फोर ब्रांचेस में ही बिल्कुल इसी तरह डिवाइड या क्लासीफाई किया गया है इंडेफिनेट कॉन्टिनेंस परफेक्ट परफेक्ट कॉन्टिनेंस और नेक्स्ट इनमें क्या इनके स्ट्रक्चर्स हैं क्या फार्मूले हैं वो हम नेक्स्ट आपको बताएँगे अगली वीडियो में तो सो अगर आपको कुछ बेनिफिट हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना